ये सोचो। अब ध्यान से सुनो, स्ट्रेट लाइन के अंदर लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि कैसे हम एक वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन में आते हैं। एक बार फिर देख लो आप, r वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 4k, राइट। इसको ये वेक्टर इक्वेशन है, किसी भी स्ट्रेट लाइन की वेक्टर इक्वेशन है। और ये क्या होता है बच्चों, a वेक्टर, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। जिसने वीडियो सुनी है, ये लास्ट क्लास अटेंड की है, उसे पता होगा। और जिसने लास्ट अटेंड भी नहीं की और वीडियो भी नहीं सुनी, तो ऐसे बच्चे को पहले घर जाकर वीडियो सुननी चाहिए। ओके, आना ही नहीं चाहिए था बिना वीडियो सुने। r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, ये है वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने आपको चोर मेथड बताया था कि कैसे हम कार्टेशियन इक्वेशन में आते हैं। तो x लिखोगे आप, माइनस i का कोफिशिएंट उठाओ 1, यहां पर 1 लिख दो, अपॉन में यहां से i का कोफिशिएंट उठाओ 2, वो 2 नीचे लिख दो। एक्चुअल में यहां पर होता है x माइनस एक्स वन अपॉन में a, क्या होता है x माइनस एक्स वन अपॉन में a, राइट। r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। b वेक्टर याद आ रहा है बच्चों, पैरेलल वेक्टर होते हैं, ये a वेक्टर होते हैं और b वेक्टर बच्चों पैरेलल वेक्टर होते हैं, ये a वेक्टर होता है और b वेक्टर पैरेलल वेक्टर होता है, राइट। तो x माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू क्या था बच्चों, y माइनस y1 y1 कहां से उठाओगे आप, j कैप का कोफिशिएंट, बताओ j कैप का कोफिशिएंट क्या बच्चों, -1। तो यहां पर आप -1 लिखोगे और अपॉन में क्या होता है b, b कहां से आएगा, j कैप का कोफिशिएंट भी यहां से आएगा। ओके, प्लस इज इक्वल टू z - z1 कहां से आएगा, k कैप का कोफिशिएंट, अपॉन में क्या होता है c, और c कहां से आएगा, k कैप का कोफिशिएंट, यहां से उठाओ 4। याद करो कार्टेशियन इक्वेशन क्या थी, x माइनस एक्स वन बाय ए इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। और मैंने आपको बताया था कि इज इक्वल टू यहां पर लैम्डा भी होता है, मुझे जब जरूरत होगी मैं लैम्डा ले लूंगा वापस, मुझे जब जरूरत होगी मैं लैम्डा वापस ले लूंगा। ओके, हम आंसर में लिखते नहीं है, ये आंसर है। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वेक्टर से कार्टेशियन में आए हो, कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे जाओगे वो भी बताया था मैंने लास्ट क्लास में। कैसे, r वेक्टर लिखोगे इज इक्वल टू जो ऊपर वाले है ना नंबर, ये वाले नंबर ये यहां पर डाल दो आप, a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम जो नीचे वाले होते हैं ना बच्चों, b वेक्टर। और तुम्हें पता है ना बच्चों, नीचे वाले dr होते हैं, क्या होते हैं dr, क्या होते हैं नीचे वाले dr, डायरेक्शन रेशोस किसके होते हैं इसके, क्या इसके होंगे, यस पैरेलल लाइंस हैं, दोनों पैरेलल लाइंस के डीआर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जो डीआर इसके हैं वो डीआर इसके हैं। ओके, देखो बात समझ गए ना आप, क्लियर हो गया। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने प्रीवियस क्लास में इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए। अब मुझे आज का वन है एंगल बिटवीन टू लाइंस, इस साल के लिए डिलीटेड है, हमेशा के लिए नहीं। और मुझे अब करवाना है शॉर्टेज डिस्टेंस, और शॉर्टेज डिस्टेंस के ऊपर ज्यादा नहीं है, 3 क्वेश्चन ही है मेरे पास, है ना। तो शॉर्टेज डिस्टेंस तो अभी शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम प्लेन स्टार्ट कर देंगे। क्लियर, मेरी बात समझ गए। तो नेक्स्ट अब टॉपिक लिखोगे आप शॉर्टेज डिस्टेंस, राइट डाउन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब स्क्यू लाइंस क्या होती है बच्चों, वो आप देखो कि स्क्यू लाइंस क्या होती है। टॉपिक है हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। यस बच्चों, आप बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी, अगर आप स्क्यू लाइंस को समझना चाहते हो। यस बच्चों, आप बोर्ड पर इधर देखो, मेरी तरफ देखो आप सभी, देखो ध्यान से देखो, चॉपस्टिक पकड़ते हो ना बच्चों, ऐसे है ना, राइट, क्लियर। तो अब ध्यान से देखो आप, ये जो टू लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, मैं यहां से फिंगर हटा रहा हूं मैं, अगर आप देखोगे तो ये दोनों लाइंस, सच से बताना, क्या आगे जाकर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी ना। तो जो टू लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती उनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस की डेफिनेशन है विच नेवर इंटरसेक्ट, लिखो स्क्यू लाइंस की डेफिनेशन, विच नेवर इंटरसेक्ट, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे।
जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, विच नेवर इंटरसेक्ट्स। स्क्यू लाइंस की डेफिनेशन, विच नेवर इंटरसेक्ट। अब हमारी आशना जी क्या कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है कि अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वो फिर पैरेलल होनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं 3D, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। बोर्ड पर देखो आप, देखो मैं क्या करने वाला हूं, ये टू लाइंस अगर ये इंटरसेक्ट, मैं बोलता हूं स्क्यू लाइंस है, तुम कह रहे हो सर ये इंटरसेक्ट करेंगी, आपने लिखवाया विच नेवर इंटरसेक्ट, तो इट्स 3D। चॉपस्टिक पकड़ोती है ना, थोड़ा सा ऐसे कर दो, देखो अब देखो आप क्या ये टू लाइंस कभी इंटरसेक्ट करेंगी, ध्यान से देखो क्या ये टू लाइंस कभी इंटरसेक्ट करेंगी, क्या आपस में कभी मिल सकती हैं? तो 3D है ना बच्चों, राइट। पहले तुम इसको ऐसे देख रहे थे, राइट, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, देखो मैं यहां तो कर सकता हूं पर मैं बोर्ड पे नहीं कर पाऊंगा, ये देखो आप, राइट। तो क्या ये कभी इंटरसेप्ट करेंगी, नहीं करेंगी, नहीं करेंगी ना। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम नहीं है, शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सा होगा, यहां वाला जो कम से कम गैप होगा उसी को तो शॉर्टेज डिस्टेंस बोलेंगे हम, क्लियर। तो ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस है ना, ये वाला शॉर्टेज डिस्टेंस, ये हमें फाइंड आउट करना है, दिस शॉर्टेज डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट। क्या पंगे ले रहे हो, तो लिखो आप सभी शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वो आप लिखोगे, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस। तो मैंने अभी आपको समझाया कि विच नेवर इंटरसेक्ट, तो विच नेवर इंटरसेक्ट, स्क्यू लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है, स्क्यू लाइंस की डेफिनेशन होती है विच नेवर इंटरसेक्ट, विच नेवर इंटरसेक्ट, ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ए बी सी डी और इनके बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है एम एन, ये शॉर्टेज डिस्टेंस एम एन, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। ये एम एन डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, इसको मैंने डी बोल दिया, दिस इज डी, तो डी इज इक्वल टू बी वन क्रॉस बी टू। अब तुम कहोगे सर ये बी वन कहां से आएगा, भाई दो लाइन्स है ना बच्चों, टू लाइन्स है और एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन कैसी होती है, ऐसे होती है, तो इसको आप बी वेक्टर को बोलोगे बी वन वेक्टर, और दूसरी लाइन में जो भी वेक्टर होगा उसको बोलोगे बी टू वेक्टर। यहां से आपको बी वन मिलेगा, यहीं से आपको बी टू मिलेगा, उठा के क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, क्रॉस प्रोडक्ट करना तुम्हें आता है, कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट मेथड, ऊपर आईजे के नीचे कोफिशिएंट एक्सपेंड करने, वेरी सिंपल, राइट। तो बी वन क्रॉस बी टू आप कर लोगे डॉट ए वन माइनस ए टू। एक बच्चा कहता है सर मैंने तो ए टू माइनस ए वन कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम कहोगे सर माइनस एन का फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बताता हूं कैसे, क्योंकि ये सारा फॉर्मूला मॉडुलस के अंदर होता है, अगर माइनस साइन आ भी गया तो प्लस हो जाएगा, प्लस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। रोनित ने आंसर निकाला -7, इसने निकाला +7, मैं तेरे नंबर काट लूंगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता भाई, बाद मॉडुलस इनमें किसे लगवाया। तो आप a1 माइनस a2 करो या a2 माइनस a1 करो, क्या फर्क पड़ता है। एक बच्चा कहता है सर मैं b1 क्रॉस b2 की जब b2 क्रॉस b1 कर दूं तो, आपने बताया था वेक्टर प्रोडक्टी नॉट कॉम्यूटेटिव, b1 क्रॉस b2 इज नॉट इक्वल टू b2 क्रॉस b1, यस, तो माइनस n का फर्क पड़ेगा, फिर वही बात, माइनस n का फर्क पड़ेगा, पर बाहर मॉडुलस है, हम डिस्टेंस निकालते हैं, माइनस आ भी गया तो उसको प्लस कर देगा, मेरी बात समझ आ रही है, राइट, क्लियर। तो b1 क्रॉस b2 डॉट a1 माइनस a2 अपॉन में मॉडुलस b1 क्रॉस b2। अब तुम लोगे सर ये नीचे और क्या चीज आ गई, भाई b1 क्रॉस b2 वेक्टर क्वांटिटी है, याद करो जिस बच्चे ने क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन एक भी सोल्व किया है उसे याद होगा, डिटरमिनेंट मेथड में ऊपर आईजे के लिखते हैं, हम एक्सपेंड करते हैं तो आंसर तुम्हारा आईजे के फॉर्म में आता है ना, 2i + 3j + 4k। अब यहां पर आया 2i + 3j + 4k, यहां पर आया i + j + k, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है, यानी आई को आई से करोगे, जे को जे से करोगे, के को के से करोगे, तो ऊपर आपका आंसर है मान लो 17। अब नीचे b1 क्रॉस b2 तुमने ली दिया 2i + 3j + 4k, वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी भी तो लेंथ निकालोगे आप, मॉडुलस, उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, अंडर रूट कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस, राइट। तो फॉर्मूला समझ आ गया, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 a1 माइनस a2 अपॉन मॉडुलस b1 क्रॉस b2, और होल मॉडुलस बाय चांस द्वारा माइनस में आ रहा है तो उसको प्लस कर देना, ये है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस। फॉर्मूला क्लियर हो गया, अगर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आ गया तो आगे सकते हैं, यस, अगर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आ गया तो टू लाइंस इंटरसेक्ट हो जाता है। तो रजिस्टर के टॉप पर लिखो, इफ शॉर्टेज डिस्टेंस इज 0 देन टू लाइंस इंटरसेक्ट हो जाता है। राइट डाउन,
shortest if shortest distance is zero, then two lines intersect each other. हाँ बच्चों बोर्ड पर देखना आप सभी. मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है, ट्रिपल टी लगा देना इस क्वेश्चन पर. ए बी लाइन है, सी डी लाइन है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस. वैसे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चों आगे चल के होना चाहिए, आगे जाकर, लेकिन मैं यहीं पर दिखा रहा हूं समझाने के लिए. दिस एम एन वी हैव टू फाइंड आउट, इसको हम स्मॉल डी बोल देते हैं. तो स्मॉल डी का फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, तो क्यों ना तुम एक काम करो, बी वन क्रॉस बी टू निकालो. और मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जिन मूर्खों को नहीं पता कि बी वन क्रॉस बी टू कैसे निकालते हैं, आई जे के और बी वन वेक्टर में कोफिशिएंट्स क्या है बच्चों, बी वन वेक्टर में 2, 3, 4, और बी टू वेक्टर में कोफिशिएंट्स क्या है बच्चों, यहां से उठा लो -1, -1, 1, इसको एक्सपेंड कर देना, ठीक है. ए वन माइनस ए टू, बताओ बच्चों ए वन माइनस ए टू क्या होगा, ये ए वन वेक्टर है, ये ए टू वेक्टर है, तो आप ए वन माइनस ए टू भी निकाल लोगे आप. क्लियर, एक्सपेंड नहीं करना आता तो अभी सीख लो किसी से, एक्सपेंड कर लोगे आप इसको, और यहां से वेक्टर में आंसर आएगा, यहां से वेक्टर में आंसर आएगा, यहां पुट कर दोगे. डॉट पर कैसे करते हैं, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, राइट. अब करो, 2 मिनट का टाइम है, मुझे करके दिखाओ. करो बच्चों, जिसको नहीं आता अपने आस पड़ोस से पूछो. मुझे ये बता दो कि बी वन क्रॉस बी टू कितना आया. हाँ बच्चों, 7i - 6j + के, और ए वन माइनस ए टू बता दो मुझे, -0i - 2j + 2k. एग्री बच्चों. अब आप यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इनका करेंगे डॉट प्रोडक्ट, इसका बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए वन माइनस ए टू, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे बच्चों, तो 7 × 0 = 0, -6 और −2 प्लस का 12, यहां से 1 उठाओ और यहां से 2 उठाओ प्लस का 2, और नीचे लेंथ बच्चों बी वन क्रॉस बी टू की लेंथ बताओ, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, √7² (49, 36) + 1, कितना हो गया बच्चों ये √86. अब 12 × 2 = 14 बच्चों, तो 14/√86, राइट. दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस. ओके, अब बच्चों ध्यान से देखना आप, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. इसको आप अनस्क्यूड भी बोल सकते हो आप, बिटवीन पैरेलल लाइंस, राइट. तो अनस्क्यूड भी बोल सकते हो आप. तो एक लाइन बच्चों ऐसी है और एक ऐसी है. R वेक्टर इज इक्वल टू ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर. R वेक्टर इज इक्वल टू ए टू वेक्टर प्लस टी टाइम्स बी वेक्टर. बी वेक्टर देखो दोनों में सेम है, राइट. तभी इसको मैं पैरेलल बोलूंगा. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी इज इक्वल टू मॉडुलस का साइन दोगे, बी वेक्टर यहां से उठाओगे, क्रॉस ए वन माइनस ए टू, ए वन माइनस ए टू के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, और अपोन में बी वेक्टर, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर और होल मॉडुलस. बी वेक्टर आप यहां से उठाओगे, ए वन माइनस ए टू यहां से करोगे, फिर उसका यहां भी वेक्टर होगा, यहां भी वेक्टर होगा, उसका करोगे क्रॉस प्रोडक्ट आईजे के लेकर, क्रॉस प्रोडक्ट उसका, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी ऊपर आपका आंसर वेक्टर में आएगा, मान लो आई प्लस जे प्लस के, और नीचे उसकी लेंथ, इसकी लेंथ. अब तुम लोग जो ऊपर वेक्टर आया फिर उसका क्या करेंगे, भाई बाहर मॉडुलस साइन है ना, फिर दोबारा लेंथ निकाल देंगे हम अंडररूट वाले फॉर्मूले से. मॉडुलस है ना, मॉडुलस का मतलब क्या है, लेंथ निकालो. तो वेक्टर में हम रहने नहीं देंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए, तो चला दे, समझ गए ना, इसलिए मॉडुलस बाहर लगा दिया. माइनस होगा तो भी प्लस हो जाएगा, राइट. तो शुरू हो जाओ, एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें करके दिखाना. यस बच्चों, अब ध्यान से देखो आप, ये टू पैरेलल लाइंस हैं. कैसे हैं, अगर आप, मैंने बताया था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड मस्ट बी यूनिटी एंड पॉजिटिव, बताया था मैंने. अगर एक्स का कोएफिशिएंट यूनिटी बनाना है तो टू कॉमन लोगे, और जैसे ही आप टू कॉमन लोगे नीचे कटिंग नहीं हो जाएगी. जैसे आप यहां से टू कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, x - 2/2, y + 1/3, z - 1/5. अब तुम्हें पता है ना बच्चों कि डीआर में कटिंग अलाउड होती है, इसके डीआर से 2, 3, 5,
इसके डीआर से है 4610 और डीआर से आप कटिंग कर सकते हो राइट। यानी यहां पर अगर आप 4610 की कटिंग करोगे तो क्या आएगा 2 3 5 आएगा ना। तो आप यहां पर लिखोगे और एक्स माइनस 5/2 वाई माइनस 3/3 और जेड माइनस 3/5 आप लिख सकते हो इसको क्योंकि डीआर में कटिंग अलाउड है, डायरेक्शन रेशियो में कटिंग अलाउड है। समझ गए आप। देखो 235 यहां भी है, 235 यहां भी है, बी वेक्टर सेम हो गया राइट। अब बच्चों मुझे पहले इसको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। एग्जामिनर बिल्कुल नहीं बताएगा कि स्क्यू लाइंस पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल है या स्क्यूड लाइंस है ना, हम नहीं बताएंगे तो आपको खुद ही पहचान लेंगे। क्लियर। तो देखो 235 रेशियो मैंने सेम कर दिए। अब इसकी वेक्टर इक्वेशन बनाओ। आर वेक्टर इज इक्वल टू, याद करो कैसे बनाते हैं, जो यहां पर नंबर है उसको साइन चेंज कर दो, 2i माइनस, यहां से प्लस 1 है तो माइनस कर दो और माइनस 1 है तो प्लस कर दो, तो ये बन गया a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स नीचे वाला b वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 5k। अब ऐसी बच्चों ये तो हुआ ए बी लाइन। अब आप सीडी लाइन की वेक्टर इक्वेशन बनाओ। सीडी लाइन की बताओ बच्चों कैसे बनाओगे। आर वेक्टर इज इक्वल टू 5i प्लस 3j प्लस 3k और प्लस में t टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 5k। क्लियर बच्चों राइट। तो अब आप इसको लिख सकते हो बच्चों कि r, दिस इज a1 वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर, दिस इज a2 वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर। अब 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो। समझ गए। इस फॉर्मूले में पुट करो, सोल्व करो, मुझे आंसर बताओ। तो डाउट है कुछ पूछने तो अभी डिस्कस कर लो। ये सोचो अब आप मुझे बताओ कि डी इज इक्वल टू इस क्वेश्चन के अंदर मॉडुलस में बी वेक्टर, बी वेक्टर है मेरे पास 2i प्लस का 3j प्लस का 5k। क्लियर। और क्रॉस में a1 माइनस a2 कितना है तुम्हारा, 2 माइनस 5 माइनस 3i और माइनस का 4j और 1 माइनस 3 माइनस का 2k। क्लियर। और अपॉन में मॉडुलस भी अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 5 स्क्वायर 25, इसका फिर करो क्रॉस प्रोडक्ट। तो बताओ मैं किसकी बात पर विश्वास करूं, बताओ क्या है 14i 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 14i
होना चाहिए ऊपर वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट आई डिटरमिनेंट लेकर आईजे के लिखकर फिर इनके कोएफिशिएंट्स लिखकर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर चुके हो, ठीक है। फिर दोबारा इसकी लेंथ निकालो बच्चों, अंडर रूट में 14 स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, 121 और 1 और अंडर रूट में 38, ये कितना आ रहा है बच्चों ऊपर कितना आ रहा है 318 और नीचे आ रहा है अंडर रूट 38। कुछ कटिंग तो हुई नहीं है, कटिंग तो हुई है, एक अंडर रूट बना दो ना यार, अनरूट 159/19 द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। क्लियर हो गया राइट। अब एक बात बताओ, अगर एग्जाम में ये आ जाए क्वेश्चन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस एंड डिटरमाइन वेदर दे इंटरसेक्ट और नॉट, तो क्या आंसर दोगे? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड डिटरमाइन दे आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। तो सब कुछ यही खत्म हो गया बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब आ गया तो इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं वो, तेरी बात समझ गए ना राइट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारे पास, अगर लाइन तुम ये लिखोगे अगर लाइन इंटरसेक्ट करती तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होता, जीरो नहीं है, इट मीन्स लाइन नेवर इंटरसेक्ट। भाई हाँ, अब एक मैं आपको स्पेशल फॉर्मूला बता रहा हूं, लिखो आप। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है प्रूव दैट लाइंस इंटरसेक्ट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होना चाहिए राइट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा जीरो होना चाहिए और फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, b1 cross b2 a1 minus a2 upon modulus b1 cross b2 right और whole modulus this should be zero।
एक और चोर मेथड है हमारे पास, एक और बहुत प्यारा मेथड है मेरे पास, वो हम लगाएंगे। अगर शॉर्टेड लिस्ट, अगर प्रूव दैट लाइंस इंटरसेक्ट, ये स्टेटमेंट आती है, तो अब आप जो फॉर्मूला में लिखा वो लगा देना। बोर्ड पर लिखना बच्चों आप सभी, एक्स वन माइनस एक्स टू, वाई वन माइनस वाई टू, जेड वन माइनस जेड टू, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, दिस मस्ट बी जीरो, दिस मस्ट बी जीरो। अगर ये जीरो आ गया इंप्लाइज लाइंस इंटरसेक्ट, इंप्लाइज लाइंस इंटरसेक्ट। अगर ये तुम खाली इतना प्रूव कर दो कि दिस इज इक्वल टू जीरो, इसका लाइंस इंटरसेक्ट। यस, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मैं बोलूंगा प्रूव दैट लाइंस इंटरसेक्ट, तुम ये वाला फॉर्मूला लगा देना। ए एक्स वन माइनस एक्स टू कहां से लोगे पता है? पासिंग पॉइंट। जो ए वेक्टर नहीं होता, जो ए वेक्टर होता है वो एक्स वन वाई वन जेड वन होता है, और जो ए टू वेक्टर होता है वो एक्स टू वाई टू जेड टू होता है। क्या बोला मैंने? ए वन वेक्टर एक्स वन वाई वन जेड वन देगा, ए टू वेक्टर एक्स टू वाई टू जेड टू देगा, और नीचे वाले जो डी आर होती है वो ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू। ठीक है, राइट। मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, करके दिखाना बच्चों। यस बच्चों, अब मैंने आपके सामने एक बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है, x माइनस वन अपॉन टू, वाई माइनस टू अपॉन थ्री, जेड माइनस थ्री अपॉन फोर, एक्स माइनस वन अपॉन थ्री, वाई माइनस वन अपॉन टेन, जेड माइनस वन अपॉन सेवनटीन, प्रूव दैट दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, प्रूव दैट टू लाइन्स, टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट। ये एग्जाम में आ गया, तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो उसके लिए थोड़े से स्टेप्स आपके ज्यादा होंगे, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, राइट। तो बताओ बच्चों एक्स वन वाई वन जेड वन क्या होगा? बच्चों पहले एक काम करो, सब बच्चे एक्स वन वाई वन जेड वन बता दे मुझे कि क्या होगा। याद करो मैंने बताया था इनके साइन चेंज करते हैं, यहां पुट करेंगे ना बच्चों इस फॉर्मूले के अंदर, राइट। तो बताओ एक्स वन क्या होगा यहाँ से वन, यहाँ से एक्स टू क्या होगा वन, वहां से वाई वन क्या होगा बच्चों टू, वाई टू क्या होगा बच्चों वाई, मतलब फॉर्मूला क्या है वाई वन माइनस वाई टू, राइट, और जेड वन माइनस जेड टू बच्चो तो थ्री माइनस वन, और इसके डी आर उठाओ नीचे से टू थ्री फोर थ्री टेन सेवनटीन, करो एक्सपेंड करो, जल्दी से इसको एक्सपेंड करो और मुझे आंसर बताओ। अगर आपका आंसर जीरो आ गया तो हैंस लाइंस इंटरसेक्ट, और अगर आपका आंसर जीरो नहीं आ रहा तो लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, पर मुझे पता है आंसर इसका जीरो आएगा। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों स्टेप बता रहा हूं, इफ लाइंस इंटरसेक्ट कंडीशन ऑफ कोप्लिनरिटी भी यही है बच्चों, दिस इज आल्सो द कंडीशन ऑफ कोप्लिनरिटी, कंडीशन ऑफ कोप्लिनरिटी, कोप्लिनरिटी, कोप्लिनरिटी ऑफ टू लाइंस, ऑफ टू लाइंस, टू लाइंस आर कोप्लिनर, टू लाइंस आर कोप्लिनर, तो शॉर्टेड डिस्टेंस आप ये वाला फॉर्मूला बच्चों आप उसका डिस्टेंस शॉर्टेड से जीरो प्रूव कर दो, टू लाइंस आर कोप्लिनर, पता है? इधर देखना, बोर्ड पर देखना बच्चों, मेरे हाथ की तरफ देखना, अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो कोप्लिनर है, कोप्लिनर का मतलब है कि वो एक ही प्लेन पर लाई करती हैं, दे लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर लाई करती हैं, राइट। तो कोप्लिनरिटी के कंडीशन में भी यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, कंडीशन ऑफ कोप्लिनरिटी ऑफ टू लाइंस, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है प्रूव दैट टू लाइंस आर कोप्लिनर, तब भी आपको ये प्रूव करना है जिस मस्ट इक्वल टू जीरो, याद रहेगा, क्लियर, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, इलेवेंथ क्लास में स्ट्रेट लाइन में भी तुमने किया था, जो बच्चे पढ़ने वाले उन्हें याद होगा, फाइंड द फुट एंड इमेज, फाइंड द फुट एंड इमेज ऑफ ए पॉइंट इन द लाइन, फाइंड फुट एंड इमेज, फुट बच्चों ले लो आप, टॉपिक का नाम लिखो फुट एंड इमेज, न्यू पेज पर स्टार्ट हो, न्यू पेज पर फुट एंड इमेज बच्चों, पॉइंट है 163 और लाइन है बच्चों हमारे पास x अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 3, राइट। वी हैव टू फाइंड आउट फुट एंड इमेज, फुट इसको बोलते हैं बच्चों, इस m को बोलते हैं फुट, फुट ऑफ द लाइन, pm,
पीएम लाइन में जो एम पॉइंट है उसको फुट बोलते हैं, तो फुट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, राइट। और इमेज बच्चों याद करो, जितने डिस्टेंस पर आप मिरर के सामने खड़े होते हो उतने डिस्टेंस पर आप मिरर के अंदर होते हो। आज जाकर देख लियो, थोड़ी ले अंदर घुस के देख, जितने डिस्टेंस पर आप मिरर के सामने खड़े होते हो ना उतने डिस्टेंस पर मिरर के अंदर होते हो, राइट। तो ये जो एम पॉइंट है ये मिड पॉइंट बन जाएगा, एम क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। तो ये फुट हो गया, और इमेज, इमेज होती है रिफ्लेक्शन, यानी पी की इमेज पी डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो आप अल्फा बीटा गामा, ये मुझे फाइंड आउट करने हैं, इसको बोलते हैं इमेज। यानी मुझे फुट फाइंड आउट करने हैं और मुझे इमेज फाइंड आउट करनी है। पहले आप क्वेश्चन समझ लो फिर करना। अब सुनना बच्चों, इधर याद करो, मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन इक्वेशन है, मुझे जब जरूरत होगी मैं लैम्डा लगा दूंगा बच्चों, जब जरूरत होगी, मुझे आज जरूरत है फुट और इमेज में मुझे लैम्डा की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा, कैसे, एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा और टू वाई की वैल्यू निकालो, टू लैम्डा और माइनस वन को उधर ले जाओ, तो टू लैम्डा प्लस वन और थ्री लैम्डा प्लस टू, थ्री लैम्डा प्लस टू, थ्री लैम्डा प्लस टू, ये फुट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, मैंने इज इक्वल टू लैम्डा ले लिया। अब मैं इस पीएम लाइन के डीआरएस निकालने वाला हूं, और डीआरएस कैसे निकालते हैं, टर्मिनल माइनस इनिशियल, टर्मिनल माइनस इनिशियल, जो वेक्टर ही तो बनते हैं, वेक्टर में जो आईजे के कोफिशिएंट्स होते हैं वही तो डीआरएस होते हैं, राइट बच्चों। तो इसके डीआरएस क्या है बच्चों, इसके डीआरएस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम लाइन, टर्मिनल माइनस इनिशियल, लैम्डा माइनस वन, टू लैम्डा प्लस वन माइनस सिक्स, तो टू लैम्डा माइनस फाइव, थ्री लैम्डा प्लस टू माइनस थ्री, तो थ्री लैम्डा प्लस टू माइनस थ्री माइनस वन, तुम स्टेप बाय स्टेप करना, टर्मिनल माइनस इनिशियल, ये डीआरएस आ गए, पहले आप समझ लो ये डीआरएस आ गए। अब सिंस, सिंस बच्चों, सिंस पीएम परपेंडिकुलर एबी लाइन, ये एबी लाइन है, पीएम परपेंडिकुलर एबी लाइन, तो इनके डीआरएस का प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, यानी ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो, तो इसको आप ए वन बी वन सी वन बोल दो, ए वन बी वन सी वन और ये ए टू बी टू सी टू, तो बच्चों लैम्डा माइनस वन इंटू वन प्लस यहां से टू लैम्डा माइनस फाइव और इंटू में टू और प्लस में यहां से थ्री लैम्डा माइनस वन और इंटू में यहां से थ्री इज इक्वल टू जीरो, यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू, वो लैम्डा की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा, तो फुट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। पहले तुम मुझे इतना काम करके बताओ और सारी बातें मेरी नोट करो लिस्ट में जो जो मैंने बोली है। अच्छा बच्चे देख रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू बताओ बच्चों, वन, लैम्डा की वैल्यू वन फुट कर दी, तो वन थ्री फाइव, ये क्या हो गए, फुट के कोऑर्डिनेट्स, तो एक आंसर तो आपका ये आ गया, फुट के कोऑर्डिनेट्स आ गए वन थ्री फाइव, क्लियर। अब ये इमेज कैसे निकालते हैं, इमेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो M में ये मिड पॉइंट का काम करेगा, जब ये मिड पॉइंट का काम करेगा बच्चों तो x1 plus x2 divide by 2, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 plus x2 divide by 2, right? And y1 plus y2 divide by 2, that must be equal to this, तो अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस वन बाय टू, अल्फा प्लस वन अपॉन टू, दैट मस्ट बी इक्वल टू वन, राइट। ऐसे बच्चों बीटा प्लस सिक्स बाय टू, बीटा प्लस सिक्स बाय टू इज इक्वल टू थ्री, राइट। ऐसे बच्चों गामा ले लो आप, तो गामा प्लस थ्री बाय टू दैट इज इक्वल टू फाइव, यहां से अल्फा बताओ कितना आ गया, जल्दी जल्दी बताया करो, टाइम ही लगाते बच्चों, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या होती है बच्चों, हमारी इमेज, तो हमारी इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ गए, आंसर एक और आ गया तुम्हारा, इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ गए 107, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमने किया है, ट्रिपल टी 100%, ठीक है। ओके बच्चों, अब मैं प्लेन स्टार्ट करने जा रहा हूं, न्यू टॉपिक न्यू पेज से, न्यू टॉपिक न्यू पेज से, राइट बच्चों, लिखो आप प्लेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लेन, क्वेश्चन है मेरा सर, हाँ बच्चों देखो आप इधर, सबसे पहले सब बच्चों का क्वेश्चन है दिमाग, अब सुन मेरी बात,
तो ये कह रहे हैं कि प्लेइंग, मान लो पैरेललोग्राम ये बना दिया, ठीक है ना, डायरेक्शन का तुझे नहीं पता चलता कौन सी डायरेक्शन कहां से थी। मैं समझ गया हूँ, जब तुझे एरिया वगैरह निकालना होता है या एडजेसेंट साइड्स निकालनी होती हैं, जब ट्रायंगल लॉ और ट्रायंगल लगाना होता है तब तू परेशान रहता है। तो आप बच्चों ए टू बी मैंने दे दिया राइट, और बी टू सी तू दे दिया करो। अब जो बी सी है ना, ए डी को भी तू ए टू डी ही देगा क्योंकि पैरेलल लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस होती है। तो आप बी टू सी दे रहे हो तो आप ए टू डी दोगे बच्चों, आप डी टू ए नहीं करोगे। मेरी बात समझ गए ना, पैरेलल लाइंस होती है सेम डायरेक्शन में होती है। अब तुझे लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाना, अभी लगा दे, लॉ ऑफ ट्रायंगल से तू ए सी निकालेगा, अब तू सी ए नहीं निकालेगा, ए सी राइट, क्यों, क्योंकि दीज टू लाइंस आर इन सेम ऑर्डर भाई, दिस ऑर्डर दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, पता है ना सेम ऑर्डर कैसे होता है, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, तो उनका रिजल्टेंट कौन देगा मुझे, ए सी देगा, सी ए नहीं देगा, तो ए सी विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू लाइंस, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अब मुझे डी सी निकालना है, तो DC कैसे निकालूंगा मैं, D टू C दे दे यारो, अगर तू कहता है सर मैं तो CD निकालूंगा, तो निकाल ले भाई, तू CD भी निकाल सकता है, तू CD, लेकिन यहाँ A टू B एरो है, तो यहाँ पर तू D टू C दे ना। अब D अब दे बन गया, अब इस ट्रायंगल के अंदर दिस वेक्टर AD प्लस DC इज इक्वल टू AC, मान समझ गया, ऐसे कर सकते, दो पैरेलल लाइंस है तो उनकी डायरेक्शन तो सेम रहेगी और लॉ ऑफ ट्रायंगल से तो निकाल। अगर एक बच्चा कहता है सर मैं तो नहीं चाहता एसी, मैं तो सीए ही चाहता हूं, तो भैया कोई बात नहीं, तो सीए कर ले। तो अब क्या होगा बच्चों, तीन थ्री साइड्स अगर सेम ऑर्डर में है, मैंने इसका भी फॉर्मूला बताया था जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो तीनों का सम क्या होता है, जीरो होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो, वहां से सीए आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है राइट। मेरी बात समझ गया, तो ए सी दे या सीए दे, ए सी देगा तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी लिखेगा, अगर तू सी ए करते है तो तीनों सेम ऑर्डर में हो गए, और तीनों सेम ऑर्डर में हो गए तो उसका आंसर क्या होता है, जीरो, रिजल्टेंट क्या होता है उसका, जीरो, क्लियर। अच्छा बच्चों, ओके, अब प्लेन के अंदर वापिस आ जाओ बच्चों, कि प्लेन हम कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे इसकी स्टार्टिंग होगी, ध्यान से देखना बच्चों मेरे हाथ की तरफ, मेरे हाथ बहुत सुंदर है, देखो देखो कितना लाल है यार, इधर देखो। हाँ बच्चों, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये जो पेन तुम्हें दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर, एंड दिस नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये प्लेन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मैं अभी बोर्ड पर ये डायग्राम बनाने जा रहा हूं, वहां टू डी में बनाऊंगा, इसी डायग्राम में बोर्ड पर बनाने जा रहा हूं। तो जो प्लेन का ये जो नॉर्मल वेक्टर है ना राइट, जो बोर्ड में बनाने जा रहा हूं ऐसे बिल्कुल ऐसे ही, एन वेक्टर, इसको मैं एन कैप भी बोल सकता हूं, एन कैप मैंने बोल दिया तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की पहचान क्या होती है, जिसकी लेंथ वन, जिसकी लेंथ वन, ठीक है। तो जब भी मैं प्लेन की बात करूंगा और नॉर्मल वेक्टर की बात करूंगा ना, तुम्हें बस मेरी ये डायग्राम याद रहनी चाहिए कि मेरा ये हाथ और ये रेड पेन, ऐसे याद रहना चाहिए, ये पिक्चर याद रहनी चाहिए। जब भी हम प्लेन की बात करेंगे ना, तो तुम्हें ये पिक्चर हमेशा याद रहनी चाहिए, याद रहेगी ना। चलिए बोर्ड पर देखो, आप एक मैंने प्लेन बनाया बच्चों राइट, और इस प्लेन के अंदर यहां पर एक नॉर्मल वेक्टर बना दिया मैंने, और इसको मैं ओरिजिन ऊपर देता हूं और एरो ऐसे देता हूं, ओपी राइट, एंड दिस इज कॉल्ड एन कैप, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, मैंने इसको यूनिट नॉर्मल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, ये जो वेक्टर है यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, और O फॉर ओरिजिन, O फॉर ओरिजिन, और ओरिजिन से प्लेन तक का जो डिस्टेंस है उसको ले लो आप स्मॉल d, क्या ले लोगे आप, स्मॉल d। तो n कैप इज द यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, n कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो परपेंडिकुलर है प्लेन के, याद है ना, मैंने अभी बताया था, ये ऐसे है, ये ऐसे है बच्चों, क्लियर, ये ऐसे है, 3D पिक्चर है। And d is the distance of plane from origin. D is the distance of plane from origin. D is the distance of plane from origin. याद रखना, अगर distance of plane from origin लिखा हुआ है तो r vector dot n cap, ये unit normal vector होगा, is equal to small d. ये formula, ये plane की vector equation है. This is a vector equation of plane r vector dot n cap is equal to d.
अब तुम लोगे सर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा वो आप देखो कि सपोज करो मैंने आपको ये बोल दिया कि r वेक्टर डॉट 2y प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू -7 एक प्लेन की वेक्टर इक्वेशन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन और ये मैंने वेक्टर इक्वेशन प्लेन की दे दी। अब एक बच्चा क्या कहेगा कंपेयर कर लेगा और जैसे ही बच्चा कंपेयर करेगा वो कहेगा सर डी इज इक्वल टू -7 वो ये आंसर दे देगा। तो तुम मुझे बताओ क्या एक समझदार बच्चा डी इज इक्वल टू -7 लिखेगा? ये गलत है। क्यों गलत है? तुम कह रहे हो कि सर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, ये इसलिए गलत है। अगर डिस्टेंस पॉजिटिव होता तुम तब भी गलत है। मैंने क्या बोला है कि ये d इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ये डिस्टेंस तभी बोलोगे जब यह यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा। और यूनिट वेक्टर की पहचान क्या होती है, उसकी लेंथ क्या होती है? 1। क्या इस यूनिट क्या यूनिट वेक्टर है? ये पता है क्या है? दिस इज r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल d। इन दोनों में बहुत फर्क है। जब भी मैं बोलूंगा डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन तुम स्मॉल d निकालो। इधर देखो, इधर डिस्टरबेंस नहीं, इधर देखो आप। जब भी मैं डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन बोलूंगा तुम स्मॉल d निकालोगे। क्या निकालोगे तुम? स्मॉल d। और स्मॉल d कब निकालोगे आप? जब यहां पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा। मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? स्मॉल d तभी निकालोगे जब यहां यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा। तो सबसे पहला स्टेप अब क्या होगा ये बताओ, सॉल्यूशन का पहला स्टेप बताओ। सबसे पहला स्टेप पता है, इस माइनस एन को खत्म करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। तो मैं क्या करने वाला हूं, माइनस में इसमें भेजने वाला हूं, माइनस टू वाई माइनस थ्री जे माइनस फोर के इक्वल टू प्लस 7। ये स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 1। मैंने माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हें लिखना होगा रजिस्टर पर मल्टीप्लाई बाय माइनस एन, राइट। अब उसके बाद इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो। दिस इज नॉट यूनिट वेक्टर। मैं इसकी लेंथ कितनी है जल्दी बताओ, इसकी लेंथ बताओ मुझे जल्दी से यार, बहुत टाइम लगा। 4 + 9 = 13 और 16 = 29। तो रूट 29 से आप दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो लिखोगे डिवाइड बाय रूट 29 बोथ साइड, डिवाइड बाय रूट 29 बोथ साइड। तो अब बच्चों बताओ क्या तुम इसको एन कैप बोल सकते हो? जल्दी बोलो, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इसकी लेंथ 1 आएगी, निकाल के घर में देख लेना। अब तुम बोल सकते हो दिस इज द d, तो डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपका आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज 7/√29। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुमने किया, समझ आया? डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन माइनस नहीं होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तभी तुम स्मॉल d बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं बोल सकते। नोट करो आप इसको।